ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम की सबसे सफल कप्तानों में से एक मैग लेनिंग ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। मैग लेनिंग अपने करियर में कई सारे मुकाबले, सीरीज और अपने दम पर टूर्नामेंट को जीता है। तो आइए वीडियो के जरिए जानते हैं मैग लेनिंग ने अपने क्रिकेट करियर में कौन कौन सा मुकाम हासिल किया। मैग लेनिंग न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बल्कि वुमेन्स क्रिकेट टीम की सबसे सफल कप्तानों में से एक है। अगर उनको मेंस क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से तुलना करें तो कहीं से भी गलत नहीं होगा। 31 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को कई मुकाबले जिताए, T20 विश्व कप दिलाया और अपनी टीम के लिए ढेर सारे रन बनाए। आपको बता दें कि मैग लेनिंग बतौर कप्तान एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी। इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर के सीरीज में 21 मुकाबले खेली है जिसमें उन्होंने 95.28 के स्ट्राइक रेट से 1,232 रन बनाए। ओवरऑल मैग लेनिंग के क्रिकेट करियर पर नज़र डालें तो इस खिलाड़ी ने 6 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जिसमें 12 इनिंग में इसने 345 रन बनाए। वहीं वनडे क्रिकेट में 103 मुकाबले खेली हैं और 53.51 की औसत से 4,602 रन बनाई है जिसमें इस खिलाड़ी का बेस्ट स्कोर है नाबाद 152 रन। वहीं क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की बात करें तो उसमें भी 132 मुकाबले खेलकर मैग लेनिंग ने 36.61 की औसत से 3,405 रन बनाए। T20 फॉर्मेट में भी इस खिलाड़ी ने शतक लगाया है और बेस्ट स्कोर है नाबाद 133 रन। मैग लेनिंग चौथे सबसे कम उम्र में कप्तान बनने वाले खिलाड़ी है। वो पहली बार 11 अगस्त 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ कप्तानी की थी जब वो 23 साल 139 दिन की थी। मैग लेनिंग किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 मुकाबले खेलते हुए 99.25 के स्ट्राइक रेट से 1,196 रन बनाए हैं और 6 शतक लगाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की यह पहली खिलाड़ी है जो कि T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 100 मुकाबले में कप्तानी की। मैग लेनिंग के अलावा यह कारनामा भारत की हरमनप्रीत कौर ने किया। हालांकि ज़्यादा सफल कप्तान मैग लेनिंग है जो कि 100 में से 76 मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाई है। वहीं हरमनप्रीत कौर सिर्फ 57 मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिला पाई। वहीं T20 क्रिकेट में मैग लेनिंग के नाम तीसरा सबसे तेज 3,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में यह कारनामा 107वें मुकाबले में हासिल किया। मैग लेनिंग ने सबसे पहले T20 फॉर्मेट में अपने करियर का शुरुआत किया था। उन्होंने 30 दिसंबर 2010 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वनडे करियर इंग्लैंड के खिलाफ 2011 में की थी और टेस्ट डेब्यू इस खिलाड़ी का इंग्लैंड के खिलाफ ही 2013 में हुआ था। उन्होंने अपने फैसले को लेकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर जाने का निर्णय लेना कठिन था लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे लिए सही समय है। मैं 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर का आनंद लेने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रही हूँ लेकिन मुझे पता है कि अब मेरे लिए कुछ नया करने का सही समय है। टीम की सफलता के कारण ही आप खेलते हैं। मैं जो हासिल कर पाई हूँ उस पर मुझे गर्व है और इस दौरान टीम के साथियों के साथ साझा किए गए पलों में मैं सजोकर रखूँगी। मैं अपने परिवार, अपने साथियों, क्रिकेट विक्टोरिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स एसोसिएशन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उच्चतम स्तर पर मेरे पसंदीदा खेल को खेलने की अनुमति दी। मैं उन सभी प्रशंसकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में मेरा समर्थन किया है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।